हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 26 देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियो को ठीक से देख लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। हमने क्लास नंबर 23 कैरेक्टर में बताया था फ्रंट कैरेक्टर को कैसे बनाएं। अगर आप कार्ड डिजाइनर नहीं हो तो कैसे आप फोटो को कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ गूगल से। हमने 23 क्लास में फ्रंट बनाया था। इसके बाद क्लास नंबर 24 में हमने बताया था 3x4 पोज कैसे बनाए जाते हैं। ये है हमारे ड्राइंग, इसको हमें कॉपी में बना लेना है ड्राइंग करके। अगर हमें ड्राइंग करना नहीं आता है तो हम गूगल से भी ले सकते हैं ड्राइंग फोटोज। इसके बाद हमने क्लास नंबर 25 तो साइड ये बनाना हमने सीखा था, जो क्लास कैसे हमने साइड वाले पोज को बनाए। अब देख सकते हो ये साइड वाले पोज है। तो आज हम सीखेंगे बैक वाली, यानी बैक वाली पोज कैसे बनाएं, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक किए और न्यू पे क्लिक किए, या हम कंट्रोल एन दबा सकते हैं न्यू के लिए। इसके बाद हमें फुल HD रखना और क्रिएट कर देना है। जब हम क्रिएट कर देंगे तो हम देखते हैं हमारे फोल्डर कहाँ है जो हमने डाउनलोड किया था। तो हमने फोटो में शायद सेव किया, फोटो में देखते हैं, ये रहा हमारे बैक वाले पोज। हमें ध्यान देना है बैक वाले पोज जो है, इस टाइप का बैक वाले पोज लीजिए, नहीं तो आप उस टाइप का भी बैक पोज ले सकते हो। इस ये वाले सबसे बेस्ट है। आप चाहो तो उस पीछे की तरफ से भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जिस हिसाब से बढ़िया लगे। तो हम इसी को आज बनाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको हम ड्रैग करके हम इसको क्लास नंबर 4 को हम ड्रैग करके लेके आएंगे और एनिमेट सीसी या एडोब फ्लैश के अंदर हम यहाँ से छोड़ देंगे। जब हम छोड़ देंगे इसे तो हमारे इस टाइप का आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए ये है सिलेक्शन टूल, यानी यहाँ भी कीबोर्ड से जब हम भी कहेंगे तो ये सिलेक्शन टूल हो गया। हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और रेक्टेंगल का क्या होता है, ओवल टूल। तो यह हमारे पीछे के लिए आंखें बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे रेक्टेंगल का भी जरूरत फिलहाल नहीं है। और ये होता है पेन टूल, जब भी हम कीबोर्ड से पी कहे तो यानी ये पेन टूल होता है। ये आप देख सकते हो, जब हम माउस रखेंगे तो इसका नाम आएंगे पेन टूल और ये करके पी नाम आएंगे। तो आपको समझ जाना है, कीबोर्ड से आप पी प्रेस करोगे तो पेन टूल क्लिक हो जाएंगे। देखिए पी प्रेस किया, पेन टूल क्लिक हो गया। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट कर दिए। पी प्रेस किया और हम ड्रॉइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमें इसको ड्रॉइंग नहीं करना है, हमें नया लेयर लेना है, इसके ऊपर कभी नहीं करना। ये हम सैंपल लिख देते, ये हमें देख देख के बनाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। हमने सैंपल क्लिक कर दिया, इसका नाम हम फेस लिख दिए। जब भी हम कोई काम करेंगे तो सबसे पहले हमें फेस बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट किए बालों को बनाना। इसके लिए हमें माउस के लेफ्ट बटन दबा के, जब तक देखिए ये क्लिक कर दिया, क्लिक हो गया, यह क्लिक कर दिया, हमने माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखना है, माउस के लेफ्ट बटन, जब तक खराब ना हो जाए। ठीक है, जब परफेक्ट बैठ जाए तब आप छोड़ दीजिए। और आपको अगर अभी भी ये पेन टूल नहीं चलाना आता है तो आप प्लीज़ शुरुआत का वीडियो देखिए, आपको समझ जाओगे किस हिसाब से ये चलाना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और क्लिक कीजिए, और यहाँ ऐसे करके क्लिक कीजिए। और जब भी कोई फोटो या कैरेक्टर का उठोगे तो हल्का सा आप चेंज कर दीजिए, हल्का सा कहीं आंखों का, मुंह का, डिजाइन का। तो मुंह लिपसिंग सबका अलग होंगे, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ लिपसिंग कैसे बनाना है, आई बिलिंग कैसे बनाना है, इसके अंदर भी हम करेंगे। तो ये अब हम लिपसिंग्स और आई बिलिंग करना स्टार्ट करेंगे, कैसे आप लिपसिंग्स और आई बिलिंग दिखाओगे कैरेक्टर को। ये हम बालों को पहले बना लूं, सिर्फ माउस के लेफ्ट बटन दबाना है और कुछ भी नहीं, माउस के लेफ्ट बटन दबाइए और काम कीजिए।
ये जिस हिसाब से आप देख देख के तो बना इजी पाओगे। हमने ये बना लिया, अब हम इसको कलर फिल करते हैं। ये भी प्रेस कर दिया, यानी हमारे जैसे मान लीजिए ये आपका नीचे आ गया हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो ऊपर कर सकते हो। देखिए पहले हमारे माउस का जो एरो है, एरो किस डिज़ाइन का है ये नीचे देखिए आप, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अगर इस हिसाब से होंगे तो आप ऊपर के लिए हल्का सा ये ऊपर हो जाएंगे मैनुअली। ओके अब हम इसका कलर फिल करते हैं। तो ये है फिल कलर और ये है स्टॉक। अगर स्टॉक का कलर चेंज करना चाहते हो तो इससे स्टॉक चेंज होता है, और ये होता है फिल कलर। फिल कलर का मतलब हो गया कैरेक्टर के अंदर जो भी दबाओगे, और ये होता है स्टॉक। जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाले तो स्टॉक, ठीक है। तो इसके अंदर हम बालो है तो हम के ऑलरेडी हमारे ब्लैक थाई, तो हमें सिर्फ एक बार के प्रेस करना है कीबोर्ड से, यानी के दबा सकते हो। यहाँ से आप पेन बकेट टूल को भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कीबोर्ड से के प्रेस किया और यहाँ के पेस्ट कर दिया। अगर आपका कहीं भी खाली है तो आपको ठीक से फिल नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको ठीक से हर जगह से ये बना लेना है। इसको अगर कहीं भी अगर खाली रह जाए ना तो आपका कलर फिल नहीं होंगे, ये ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, हमारे बाल तो बन गए, अब हमें मुंह बनाना है। मुंह बनाने के लिए बहुत ही इजी है, जब आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बनाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक ही चीज कहता हूँ बार बार, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान लगेंगे, ये उतना कुछ भारी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको भारी नहीं लगेंगे। ये हो गया, अब हम इसके अंदर कान को बनाते हैं। ये है, इसको हम क्लिक किए, यहाँ से इसको क्लिक किया और ये कान बना दिए, ठीक है। पी प्रेस किया, कानों के अंदर हम ये, आप अगर कहोगे तो कैरेक्टर जिस हिसाब से हमें सेम टू सेम बनाने नहीं, हल्का सा चेंजेस करना है, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करना ही है। तो हमने कान के नीचे जो ये होता है ये हमने बना दिया, ठीक है। अब हमारे ये एक तरफ का आईब्रो हल्का सा दिखना चाहिए, तो हम दिखा भी देंगे। बस ऐसे ही सिर्फ इतना सा रहने दीजिए, ठीक है। और ये हो गया, आंखें पलके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बैग बना रहे हो। आप नाक को सिर्फ दिखाइए हल्का सा और कुछ भी नहीं। अब हो गया, अब इसके अंदर कलर फिल कीजिए। तो कलर फिल करने के लिए हम यहाँ से लेते रहते हैं, आप चाहो तो इसके कलर फिल आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारे 23, 24, 25 तो एक ही कलर हम चाहते हैं, एक ही कलर हो, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, हम चाहेंगे तो हमारे एक ही कलर हो, तो इसके लिए हम कैरेक्टर से कलर लेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया, आई क्लिक किया, और आई क्लिक करने के बाद ये हमने एक बार क्लिक किया तो ये हमारे कलर फिल हो गए। अब हम इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे कलर फिल हो गए। ये बैक पोज है, अगर उतना अगर बढ़िया भी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक आपको समझ रहे हो, बैक किस हिसाब से होता है। अब आपको ये वाला जो है ना, ये वाला डिलीट कर देना आपको, ठीक है। और आई प्रेस करना है, ब्लैक कलर लेना है और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऑफ कर दिया, और इसका जो स्टॉक है, स्टॉक को आपको दो बार क्लिक करना है इस पर और स्टॉक को डिलीट कर देना है। ये आप देख रहे हो हल्का सा ये वाइट पार्ट आ रहा है ना, तो इसको आप मैनुअल ऐसे कर दो, ये हो जाएंगे। तो ये हमारे ऑलरेडी पीछे का जो है साइड, पीछे का तो इस हिसाब से नहीं होता है लेकिन इस हिसाब से बनाएंगे आप, तो कैरेक्टर का जो एनिमेशन है ना परफेक्ट होंगे और दिखने में भी अच्छा लगेंगे, ठीक है। अब हमारे मुंह का बन गया, अब हम बनाते हैं बॉडी। बॉडी इसको हम लॉक कर दिए, यहाँ क्लिक किए, ये फेस वाला लेयर जो है हमने लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमें गर्दन को यानी ये बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा,
प्री प्रेस किया यहाँ तक इसका गर्दन को लीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो गर्दन टूटे ना, ये इस हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद यहां से ऐसे ले लिए, ये वाले ऐसे ले लिए, ऐसे चले गए और यहाँ के इसको मिला दिया, ये होना चाहिए ऐसे। अब इसके अंदर आप कलर फिल कर ही दो, ये क्लिक किया इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेम है, ये लेयर मैनेजमेंट का काम है, हमने पिछले में बता चुका हूँ, ये लेयर मैनेजमेंट का काम, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हल्का सा जैसे ये आया ऐसे आए मेन वाले, आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बॉडी को बनाना है, तो बॉडी के लिए पी पेस किया, क्लिक किए, ऐसे किए, अगर खराब हो रहा है तो आप कंट्रोल जेड दबाओ, भी पी प्रेस करो और भी प्रेस करो। अब आपको यहां से ऐसे इसका हथेली बना लेना है, बॉडी का बैक वाली ये बना लिए। आप इसको एक मिनट, इसको आप जब बनाओगे ना तो यहां से ऐसे बनाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे, क्योंकि हमारे तो हाथ रहेंगे, फिर जब हम एनिमेशन करेंगे तो हमारे हाथ खराब हो जाएगा, तो हमें यहां तक बनाना है, ठीक है। हमें ऐसे करके चेस्ट सिंपल सा बना देना है, ये पीठ का जो है ये 3x4 हो गया, तो इसको हमें उसी हिसाब से बनवाना है, अगर ज्यादा हो गया कंट्रोल जेड करो, प्रेस करो, अब एक ही बार में यहां तक कर दो। कंट्रोल जेड करो, जब आप कंट्रोल जेड करो, ये आपका जब बन गया ना तो आप इस कंट्रोल जेड करो, क्लिक किया, सीधा बनाओ इसको, हल्का सा सिर्फ ऐसे घुमाओ और इसको सीधा बनाओ, क्योंकि हमारे हाथ पे ये ढक ही जाएगा, टेंशन किस बात का है। अगर कोई खराब हो रहा है कंट्रोल जेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम एनिमेशन करेंगे हमारा एनिमेशन खराब नहीं होना चाहिए। ये हो गया, अब हल्का सा ऐसे करके आप मैनुअली ठीक कर दो इसे, अगर कहीं भी खराब हुए। ठीक है, ये हमारे हो गए। हमने इस पे बनाया था इंडिया के फ्लैग, तो इंडिया के फ्लैग के लिए हमें यहाँ से एक बार क्लिक करना होगा, ये हो गया ब्राउन के लिए, फिर से पी प्रेस किया, यहाँ से हो गया हमारे वाइट के पार्ट के लिए, और ये हो गया ग्रीन पार्ट के लिए। तो हम यहाँ इसको कलर फिल कर देते हैं, 3x4 में पोज में गए, आई प्रेस किया, ये कलर ले लिया भगवा कलर, अनटाइटल किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, भी प्रेस किए, आई प्रेस किए, इसके अंदर से कलर ले लिए, इसके आके पेस्ट कर दिया आई, क्योंकि ये वाइट है तो यही आपको पेस्ट कर दिया। फिर से हम अंदर गए, ग्रीन वाले पार्ट को लेना, आई प्रेस किया, इसको ले लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भी प्रेस किया, इसको डिलीट कर दो, स्टॉक को डिलीट कर दो, तो ये हमारे पीछे इंडिया का बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बॉडी को क्लिक किए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्लिक करना है और F8 पेजेस, अभी चाहो तो कर दो लेकिन अभी रहने दो, बाद में हम करेंगे स्टॉक। अब आपको क्या करना है, तीसरे लेयर लेना है, हैंड बनाना है, लॉक लेयर कर दो, इसको क्लिक करो, पी प्रेस करो, हैंड बनाओ, अब हैंड हमने लिख दिया, यहां से यहां ले लिए हैंड को एक, अब हमारे हैंड का काम है। जब हमें
दिखाई ना दिए ना तो हमें अनहाइड कर देना, या हाइड कर, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्लियरली दिखाई देंगे, हमने इस वाले हैंड को बना लिया, ठीक है। अब हमें इसी के अंदर और एक हैंड को बनाना है, ये ध्यान देना। तो वो वाला जो होगा ना, ये होगा, ये तो हो गया कपड़ा, यानी जो कपड़े पहना हुआ रहेगा वो वाला हो गया, लेकिन ये होता है हाथ तेरी। तो यहां से ऐसे क्लिक किया और ऐसे करके इसको घुमा देना, क्योंकि ये हाथ टूट ना जाए, ठीक है, इसीलिए इसको क्रब किया जाता है। और ऐसे इसको यह छोड़ दो, बस भी प्रेस कर दो, अगर कहीं ज्यादा कम ज्यादा है तो इसको ऐसे मैनुअली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कलर को फिल करना है। तो कलर के फिल के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, आई प्रेस करेंगे, इसके कलर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा ऑलरेडी पेस्ट हो गया। अब हम स्किन के कलर लेंगे, ये क्लिक किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप टेंशन मत लो, ये लेयर मैनेजमेंट के काम है। आप सोचते हो ये गर्दन तो हमारे ठीक से ही परफेक्ट है, ये लेयर मैनेजमेंट का काम है। आपको दिखा देता हूँ, जब आप इसको बॉडी फेस के नीचे कर दोगे ना तो ये आपका घुस गया अंदर, ठीक है। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आपको जस्ट बता ही रहे और दिखा भी रहे, क्योंकि लेयर मैनेजमेंट के काम के लिए हमें और एक बार बताना होगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखो सिर्फ। अब हमें यहाँ का जो स्टॉक है हथेली का, इसको हमें स्टॉक को डिलीट कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको स्टॉक को डिलीट कर दिए, इसको क्लिक किए, यहाँ दो बार क्लिक किए तो स्टॉक सब कुछ आ गया। F8 प्रेस किए और लिख दिया हैंड वन, 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान देना अपने हिसाब से, ये हमारे हैंड हो गया वन। अब हमें फिर से पी के प्रेस करना है, इसी हैंड के ऊपर फिर से हमें दूसरा लेयर बनाना है। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ तक बनवाना है, इसे यहाँ तक ऐसे बनवाना है, यहाँ तक बनवाना है, और ऐसे करके इसको इस हिसाब से घूमना चाहिए। जब हम एनिमेशन करेंगे ना तो ये टूटे ना, इसलिए हम दिया जाता है। ये हर पैर में, हाथ में, सब कुछ में इसी हिसाब से होंगे। भी प्रेस कर दो, आई प्रेस करो, इसका कलर लो, यहाँ के पेस्ट कर दो, ये पेस्ट हो गया। अब हमें इसका जो कलर फिल है ना, इसके अंदर से हमें डिलीट करना होगा, ठीक है। तो हम F8 करते हैं और लेग, अरे लेग नहीं है, हैंड है, हैंड टू। अब जो ये स्टॉक है ना, हम इसके अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे दो बार तो पूरा स्टॉक आ जाएंगे, हम डिलीट कर देंगे, बाहर आ गए। अब हमें मैनुअली इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। जैसे ये अंदर वाले जो ज़्यादा आ रहा है, क्या करना, ये अंदर ज़्यादा आ रहा है, इसको आपको इस हिसाब से ऐसे करके इसको मिला लेना है। यह आ गए, अब क्या करना, ऐसे करके इसको यहां तक डिलीट कर दो, ठीक है, ये हो गया। इस पे और भी हल्का सा है तो आप इसके अंदर भी क्लिक कर दो बार, अब ठीक है, देखो ठीक है, ये हमारे हैंड भी बन गए। अब हमें तीसरा नंबर हैंड बनाना है, पीछे वाले हैं तो ये क्या होता है, इस टाइप के हैंड बना रहा है। ये हमारे दूसरा नंबर हैंड हो गए, ये पहले वाला हो गया, अब हमें तीसरा वाला बनाना है। तो फिर से पी प्रेस करना है, पी यानी पेन टूल, क्लिक किए, आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करना होगा। आप कहोगे मैं एक ही बार में सीख जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जब तक ना सीखोगे तब तक मत छोड़िए, क्योंकि आपको सीखना है। आप ये ठान लीजिए हमें सीखना है किसी भी हाल में।
ये आपको ऐसे बना देना है, जैसे ये हाथ बन गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बन गए, आप इसको मैनुअली ठीक कर दो, ऐसे करके इसको डिलीट कर दो, इसको आप ऐसे करके ऊंचाई तक ले जाओ, ठीक है, सीधा कर दिया पहले, अब डिलीट कर दो, ये जो है दो दो आ गया, तो दो दो डिलीट हो जाएंगे। अब ऐसे करके इसको घुमा दो हल्का सा, ये उंगली भी ठीक से नहीं है, अब ऐसे कर दो, ये तो आपको ऐसे देना है, क्योंकि हमने हैंड का पोज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत आसान भाषाओं में, आप हैंड का पोज यूज कीजिए। अब इसको डिलीट कर दो, ये तो हम पीछे वाले हाथ पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ऐसे करके इसको ऐसे घुमा देते हैं, भी प्रेस करते हैं, चलिए ये हो गया। अब हम इसका पी प्रेस करते हैं, यहां से इसको क्लिक किए, यहां तक क्लिक किए, ऐसे क्लिक कर दिया, वी प्रेस कर दिया, आई प्रेस किया, क्लिक किया। अब हमारे ये कलर फिल नहीं हो रहे, अब देखिए आई प्रेस किया, कलर ले लिया, कलर आ गया, लेकिन यहाँ फिल नहीं हो रहे, तो हमें देखना होगा, देखिए जहाँ जहाँ हमारे ये नहीं है, यानी जगह कोई भी जगह मतलब ठीक से फिल नहीं हुआ, तो वो उस जगह को नहीं फिल हो रहा है। अब देखिए हमारे कहाँ फिल नहीं हुआ, हमें वो देखना है, किस जगह में हमारे ठीक से फिल नहीं हुआ, इस जगह को हमारे हमें ठीक से, हम अब ऐसे देखते हैं, के प्रेस किया, अच्छा सही है, ये हमारे यहां से ऐसे इसको फिल कर देना है, के प्रेस करो, इसके अंदर अब फिल हो गया। देखिए ये हमारे हाथ तो ठीक से बना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हैंड पोज का ये हाथ को मत यूज कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप वो वाले हाथ को यूज कीजिए, तो ये जो है ना उंगली, ये तो आगे तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको दो बार क्लिक करना है, शिफ्ट बटन दबा के, शिफ्ट बटन दबा के हर जगह से आपको ले लेना है, F8 प्रेस करो और हैंड 3 लिखो। अब इसके अंदर आओ, आपको अगर कहीं भी थोड़ा सा ठीक से नहीं बैठा है, जो भी है आपको अगर खराब लग रहा है तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से आपको कोई भी अगर गलत लगे, लेकिन ये वाले स्टॉक को आप डिलीट कर दो, ये ये ठीक है, लेकिन हैंड पोज या यूज करना, कोई नहीं ये आगे चला जाएगा, ये जो है ना ये पार्ट ये पीछे रहेंगे, तो आपको ठीक से दिखाई उस हिसाब से आएंगे, जिस हिसाब से फोटो है उसी हिसाब से बनेंगे। तो ये हमारे तीनों बन गया, अब हमें क्या करना है, इस हैंड को कॉपी करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हैंड को क्लिक किया और डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक किया, तो हमारे डुप्लीकेट लेयर बन गए। डुप्लीकेट लेयर जब बन गए तो हम ऐसे करके इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है, ये हल्का सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में आसान। देखिए ये हैंड है, ये हैंड कॉपी बन गया, हम इसका नाम हैंड राइट कर देते हैं, ओके, इसको हमने लॉक कर दिया, ये वाला हैंड को लॉक कर दिया। अब हम इसका डुप्लीकेट सिंबल करते हैं, तो डुप्लीकेट सिंबल करना ही जरूरी है बहुत, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर ना करोगे तो क्या होता है, हम बार बार नहीं दिखाएंगे, लेकिन सिंबल करना बहुत जरूरी है। मैं एक सिंपल सा भाषा में बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसके हैंड कॉपी किया
तो अगर हमने डुप्लीकेट सिंबल नहीं किया तो इसके अंदर हम जो भी फेल करेंगे, जिस हिसाब से काम करेंगे, ये भी सैम टू सैम उसी हिसाब से हो जाएंगे, तो एनिमेशन नहीं होंगे। अगर ये हम हैंड को आगे ले जाएंगे तो ये हैंड पे आगे चला जाएगा, पीछे नहीं होगा। ये हम पीछे करेंगे तो ये भी पीछे हो जाएगा। तो डुप्लीकेट सिंबल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक किए, मॉडिफाई पे क्लिक किए, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किए और यहाँ के इसको ऐसे ठीक है, परफेक्ट, ये हमें कर देना है। अब हल्का सा हमें क्यू प्रेस करना है, इसको छोटा कर देना है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। और ऊपर जाके ऐसे करके इसको लगा देना है। अब टेंशन मतलब ये भी हमारे परफेक्ट है। जब हम इसको हैंड राइट को बॉडी के नीचे कर देंगे ना तो ये नीचे चला जाएगा, देख लो उसी हिसाब से बन गया। तो आप टेंशन मत लो, हम आपको एक एक चीज बताएंगे, टेंशन मत लो। अब हमें क्या करना है, इसको अनहाइड कर देना है, हाइड कर देना, इसको भी हाइड कर देना है और बॉडी को भी हाइड कर देना है, ठीक है। अब हमें और एक लेयर लेना है, लेयर हम हिप कर देंगे, HIP, हिप। हिप करना बहुत जरूरी है, हिप बनाना ही है। हमने कर लिया, रेक्टेंगल टूल को क्लिक किया, ये हम रेक्टेंगल टूल को लेंगे। चाहो तो आप रेक्टेंगल मत लीजिए, यहाँ ये पेन टूल ले लीजिए, क्योंकि ये कोई आंखें नहीं बना रहा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, ये कमर तक हो गया, यानी ये कमर हो गया और ये भी हो गया। अगर आपको ठीक करना है तो मैनुअली आप ऐसे करके इसको ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दो, बहुत ही आसान है। जब हम स्प्रिट बनाएंगे तो आप समझ रहे हो किस हिसाब से होंगे, ये हम धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हो गया, अब हम इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं, क्योंकि हमने ब्लैक पेन बनाया था तो हम दिखा भी देते हैं। पहले कलर फिल कर दो, देखिए ये हमने ब्लैक पेंट बनाया था तो यहाँ भी हम ब्लैक ही बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक पैर बनाते हैं, तो पैर बनाने के लिए हमें ये वाले पैर जो आगे वाला होता है ना, ये वाले बनाने, इसको हम हल्का सा बड़ा कर देते हैं। इसको हमें सिंबल करना बहुत जरूरी है पहले, तो हमें क्या करना, दो बार क्लिक करना है, F8 करना और हिप लिख देना है, ठीक है। अब आपको और एक नया लेयर लेना है, इस लेयर को भी लॉक कर दो, हैंड राइट को लॉक कर दो, पी प्रेस करो, इसका नाम आप लेग लिख दो पहले, ठीक है, पी प्रेस कर दिया, लेग यहां तक बनाइए, यहां से, ठीक है। और हम इस हिसाब से इसका पैर नहीं बना रहे, जिस हिसाब से ये है, ये देख रहे हो, ये फुल पैंट नहीं है, ये हाफ पैंट, इस यानी ये फोल्ड कर चुका है पैंट को, और हम फुल पैंट बनाएंगे, हम हल्का सा कॉपी करेंगे, नहीं तो हमारे चैनल में भी स्ट्राइक मार दे, कोई गारंटी नहीं है। ने बना दिया, अब मेनू वाले ऐसे करके इसको ये बना दो, पर ज्यादा कहीं चला गया, कहीं भाग गया, कहीं ये हो गया, आई प्रेस करो, इसके बाद यह क्लार क्लिक कर दो, ठीक है। अब दो बार क्लिक करो, F8 क्लिक करो और इसका नाम अब लेग 1 कर दो। अब देख रहे हो इसके अंदर ये ज्यादा आ गया, तो ऐसे करके आप माउस के लेफ्ट बटन दबा के इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ये ज्यादा आ गया, डिलीट कर दो, हल्का सा पार्ट ज्यादा आ गया, डिलीट करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से पी प्रेस करना, यहाँ भी 3 लेना है, क्योंकि आपको पैर को चलाना बैठाना है तो 3 जरूरी है। यह हमने क्लिक किया, हमने फुल पैंट बनाना है तो ऐसे करके ले आए, यहाँ तक क्लिक किए, इसके बाद यहाँ तक क्लिक किए,
यहाँ तक क्लिक किए, यहाँ क्लिक किए, ऐसे कर दिया, आई प्रेस किया, ऑलरेडी है तब भी हमें आई प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक क्लार्क भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ हल्का सा गैपिंग है, खाली है ना, देखिए आप जगह, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। ये कर दो, के प्रेस करो, पेस्ट हो गया, देख रहे हो आप, बहुत ही आसान है। दो बार क्लिक करो और स्टॉक को भी ले लेना और F8 कर देना, और यहाँ लेग टू कर दो, लेग टू बन गया। अब आपको क्या करना है, लेग थ्री बनाना है, तो पी प्रेस करो, यहाँ क्लिक करो, ये क्लिक करो, क्लिक करो, पहले आप ऊपर का पार्ट बना लो, ठीक है, क्लिक किया, यहां से इसको यहां तक ले आओ, पैर खराब नहीं होना चाहिए, इसको भी यहां तक ले आओ, पैर टूटे ना, वे प्रेस करो। इसके जो कलर है ना, आप स्किन की कलर देना ये, क्योंकि हमने पैंट उतना तक रखा। आई क्लिक करो, यहां से स्किन कलर लो और यहां के इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, ये ऑलरेडी पेस्ट हो गया, ये अंदर है, ये भी पेस्ट हो गया ऑलरेडी। चलिए हम क्लिक करते हैं इसको, देख रहे कलर फिल हो गया ना, कंट्रोल जेड करते हैं और मैंने बिठा दिया, पी प्रेस करो, पी प्रेस करो, यहां से क्लिक करो, और ये बूट जिस हिसाब से आप उसी हिसाब से बना दो। अब बूट इतना हार्ड मत बनाइए, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं सबको, बूट हार्ड मत बनाइए, बूट आसान बनाइए, क्योंकि बहुत सारा कैरेक्टर को आप देख सकते हो, कैरेक्टर के अंदर कभी हार्ड बूट नहीं बनाते हैं। हम ऐसे करके मिनिमली इसको ऊपर कर दिए, ठीक है, ये अब डिलीट हो जाएगा इतना सा पार्ट। अब हमारे ये हो गया, पी प्रेस किया, यहां से हमने ये हम बूट सिंपल से बनाते हैं, पीछे वाले बूट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल भी दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में सोल भी बताए, ये इस पे हम सोल नहीं बताएंगे, फिर हम सिर्फ जस्ट सिंपल सा बना के दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम आई कौन सा कलर है, ये योलो कलर होंगे जूते का, हम यहाँ से आई प्रेस किए और जूते का कलर ले लिए, ठीक है, भी प्रेस कर दिया, ये हल्का सा हमें खराब लग रहा है, ये हम आगे तरफ कर, ये आगे तरफ बूटे है ना, तो आगे तरफ हमें फैलाना रखना होगा। चलिए हमने राजा का बूट बना लिया, अब तो कोई नहीं, आप कैसे भी बूट को बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी बैठा सकते हो, ये हो गया, आप ऐसे करना चाहते हो तो ये भी हो गया, इसको आप ऐसे करके मिला दीजिए, डिलीट कर दो यहां से ये पार्ट को, अब आपको इतना सा कलर करना है तो कलर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आई प्रेस करो, यहां से कलर लो, यहाँ के पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया बस। आपको ये अगर छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो बूट को, यहां तक बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करते हैं, दो बार क्लिक किया, इस पे भी दो बार क्लिक किए, इस पे भी दो बार क्लिक किए, इस पे भी दो बार क्लिक किए,
हर जगह से दो बार क्लिक होना चाहिए, ठीक है। F8 प्रेस करो और यहाँ लिख दो लिंक 3। इसके अंदर आओ, इसके अंदर आने के बाद ये जो है ना हल्का सा ये हमें खराब लग रहा है, हल्का सा ऐसा राउंड होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, अब इसका स्टॉक ना डिलीट कर देना भाई, बार बार बता रहा हूँ, इसका स्टॉक डिलीट कर दो। ये नहीं, ये जो स्टॉक है ना इतना सा, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, और ये रहने दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माउस के राइट क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, माउस के राइट क्लिक करना, अरेंज पे जाना और सेंड टू पैक कर देना, तो ये आपके अंदर चला गया, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पैर और बूट बाहर आ रहे हैं, तो हम इसको हल्का सा बाहर कर देंगे। अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आसान तरीके से करेंगे, लेग को क्लिक करेंगे, तीनों बन गया। इसको भी हम सेम चीज करेंगे, डुप्लीकेट लेयर करेंगे, डुप्लीकेट लेयर कर दिया, डुप्लीकेट लेयर आ गए, इसको हमने इस हिसाब से कर दिया, इसका लेग राइट कर दिया। अगर आपका लेफ्ट हो तो लेफ्ट ले देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप सबको डुप्लीकेट सिंबल कर दो, एक एक करके डुप्लीकेट सिंबल, डुप्लीकेट सिंबल, डुप्लीकेट सिंबल, ठीक है। जब ये डुप्लीकेट सिंबल हो जाए, अब क्या करना, इसको क्लिक किया, ये तीनों आ गया ना। अब आपको तीनों को क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है, तो ये पैर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको ऐसे करके ड्रैग करके ऐसे छोड़ देना बस, ये हिप हल्का सा हिप पे चलते हैं, हिप को हम अनलॉक करते हैं, हिप के अंदर जाते हैं, हिप कहाँ तक है, हिप यहाँ तक है और ये हमारे ये बन गया, तो हिप को हमें बढ़ा देना है, हिप को हमें इसीलिए हिप को बनाया जाता है, ठीक है, तो हमारे कैरेक्टर खराब ना हो। ये पीछे की तरफ है, अब हम हर जगह से अनलॉक करते हैं। अब देखिए कैरेक्टर को देखते हैं, ये हल्का सा इसको हमें हल्का सा छोटा करना है, हल्का सा छोटा करना है, ज़्यादा नहीं। क्यू प्रेस करेंगे, तीनों ले लिया, शिफ्ट बटन दबा के क्यू प्रेस करेंगे, हल्का सा छोटा करेंगे, हाँ, और इसको हमने बैठा दिया। अब आप हल्का सा इसको अंदर कर दो, अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो इसके अंदर जाओ, हल्का सा डाउन कर दो, हल्का सा डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप हल्का सा काट दो इसे, अब बाहर आ जाओ। चलिए ये ठीक है, अब हम इसका लेयर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा बैक बन गया, हम लेयर मैनेजमेंट करते हैं। आपने देख लिया ना किस हिसाब से किया। अब लेयर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आप ध्यान से देखना, लेयर मैनेजमेंट का काम सबसे बड़ा है। फेस को क्लिक किया, सबसे ऊपर किया, शिफ्ट लेफ्ट बटन दबा के फेस आ गया। अब हमें बॉडी को लेना है, बॉडी को क्लिक किया, सबसे ऊपर किया बॉडी को, ये हमें सबसे पहले सारे को अनलॉक कर दो, ठीक है। लेफ्ट बॉडी वाले को क्लिक करो और फेस के नीचे करो। अब लेग वाले जो है, लिंक को सबसे नीचे करो, सैंपल को डिलीट करना है, जो सैंपल का हमने फोटो रखा हूँ उसको डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लिंक को सारे नीचे कर दो, पहले हिप को भी नीचे कर दो, हिप को नीचे कर दो, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला हैंड बन गया, ये वाला बन गया, अब हमें क्या करना है, लेयर पे गए, ये वाला हैंड कौन सा है, ये ऊपर करना है हमें, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला ऊपर करना है हमें हैंड, ये वाला हैंड ऊपर करना है, ठीक है।
ये देखिए आप, ठीक हो गए। हिप को हमें सबसे ऊपर रखना है, लेग हो गए, हिप ऊपर कर दिया, ये सारे पैर अंदर आ गए। अब और दोनों पैर ठीक है, ये भी देख लो, हाँ पैर तो ठीक ही है। अब देखते हैं बॉडी को कहाँ खराब है, ये हमारे ठीक से बैठा नहीं, तो इसको क्या करना, क्लिक करना। पहले हम सिंबल कर लेते हैं, सिंबल करने के बाद हम बड़ा करेंगे, ठीक है। ये हमारे सिंबल हो चुका है, इसको हल्का सा छोटा किया, ऊपर किया, इसको क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये ऊपर कर दो, इसको ऐसे करके घुमा दो और इसको छोटा कर दो। ठीक है, ये हैंड हो गया, इस हैंड ये बड़ा है तो ये राइट तरफ है, तो इसको हल्का सा छोटा करो, हल्का सा छोटा करना। अब इसको अप डाउन के बटन से ऊपर करो, ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो है ना, ये हैंड, ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेयर को तो ये अंदर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम तीनों हैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको पहले हम फेस लेयर कर देते हैं, F8 लेयर, ये हम बॉडी सिंबल कर दे F8 दबा के, फेस को हम, और फेस को करना है, बॉडी और फेस ही बाकी था, फेस को हमने F8 किया और फेस लिख दिया, ये भी हम सिंबल कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारे खराब है, अब हम क्लियर करते हैं, इसको क्लिक किया, ऐसे किया, इसको बड़ा कर दिया, रुक जा, पी प्रेस करना है, हम यहां से यहां तक आ जाते हैं, इसके बाद यहां से भी प्रेस किया, पी प्रेस किया, क्लिक किया, ये भी एक आसान तरीका है इसको। और अब इस स्टॉक को डिलीट कर दो, अब चाहो तो आई प्रेस करो, क्लियर करो, पेस्ट कर दो, ये पूरा पेस्ट हो गया ना, रुक जाओ, पी प्रेस करो यहां से यहां तक, ठीक है, फिर से पी प्रेस करो यहां से अब आई प्रेस करो, ले लो, ये व्हाइट कलर चला गया, फिर से भी प्रेस करो, आई प्रेस करो, ग्रीन कलर यहाँ पेस्ट कर दो, आई प्रेस करो, कलर लो ग्रीन का, ये हो गया, आई प्रेस करो, इसके अंदर कलर आओ, ये पेस्ट कर दो, भी प्रेस करो, अब इसके अंदर ये डिलीट कर दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उस हिसाब से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल्का सा बड़ा कर दो ऐसे, ठीक है, ये वाले भी डिलीट कर दो। देखिए हमारे पैंट भी परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, सबको लॉक करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं और अनसीन करते हैं, इसको सिर्फ सीन करते हैं, और इसको क्लिक करके ऐसे हम लेके आते हैं। अब हम यहाँ सीन करते हैं,
इसको अनलॉक करते हैं, अनसीन करते हैं और ये भी अनलॉक करते हैं। अब देखिए ये और ये सेम टू सेम बन गया है, जिस हिसाब से ये था ये हमारे पीछे का बैकग्राउंड। अब देखिए ये जो है ना, ये जब डिस्ट्रीब्यूट क्लियर करेंगे हम, इसको हैंड क्लिक करेंगे, माउस के राइट क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ आप जब क्लिक करोगे ना तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्लियर है। तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो डिस्ट्रीब्यूट क्लियर है, ये तीन हो गया ऑलरेडी, तीन लेयर हो गया। एक मिनट है, ये लेयर नंबर 10 किसका है? कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर दो। 11, अरे सॉरी 11 ये वाला है। अब देखो ये वाला है ना, इसको हम क्या करेंगे, 3 वाले पोज को बॉडी के नीचे कर देंगे, तो ये अंदर चला गया। और इसको अगर हम सबसे नीचे कर दिए तो ये अंदर चला गया। अब देख लिया ना, तो ये होता है जब हम आगे एनिमेशन करेंगे ना तो आपको और भी पता चल जाएगा। तो आप टेंशन मत लो ये किस हिसाब से होता है कैसे, ये तो हमारे, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो चलिए आज के लिए इतने, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। और फाइल को सेव कर दो, फाइल को सेव करने के लिए आपको मालूम ही है सेव पे क्लिक करना है। और ये हमारे क्लास नंबर 26 है, CLEAWS क्लास नंबर 26। और ये है बैक पोज, बैक पोज तो और भी आसान है, आप अगर वो वाले पोज यूज करोगे तो और भी आसान है। ये तो कुछ हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे फ्रंट है उसी हिसाब से बैक को कर दिया, तो वो तो और भी आसान है। तो आपको ये क्या होता है, ये प्रोफेशनल लगता है, बढ़िया लगता है दिखने में। जब आप धोती यूज करोगे तो ये धोती भी रहेंगे, जब ये आपको इस हिसाब से लग रहा है ना तो आपको कोई गैपिंग नहीं है, ये गैपिंग भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको चलाओगे ना तो ये और भी परफेक्ट होंगे, तो इसको हम आगे चला के दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास को खत्म करते हैं, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।